ये देख सकते हैं पानी का बहाव, ये भी वही पानी है जो बॉडियों से इकट्ठा होता हुआ यहाँ पे दो तरफ से निकल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ दो तरह के नाले बने हैं और पानी का बहाव देखिए आप, जबकि बारिश भी नहीं है। और ये पानी देखिए आप कितने बहाव से आ रहा है। यहाँ कलवट बना है, इस कलवट के अंदर ये पानी जा रहा है। ऊपर से हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पानी जो है यहाँ से निकल रहा है। तो देखिए ये कितने भागों में जो है ये इसको विभाजित किया गया है। रामपुर बुशहर के क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 खोपड़ी के लोग हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के चलते जख्मी हो गए हैं। अब उन्हें नासूर बनने की चिंता बेहद है। विभागों के बढ़ते सवाल के चलते लोगों को डर के साए में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। खोपड़ी के साथ लगती ओढ़ा ढाक में भारी मात्रा में सड़क का पानी और भूस्खलन के बारे में जानकर आश्चर्य हो रहा है। नगर परिषद रामपुर बुशहर के विभाग द्वारा किए गए कामों पर उठे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। समथल कैंची के पास बने लिंक रोड सरलापरोल के लिए निकाला गया था, जिसमें कलवर्ट भी डाला गया था, लेकिन इस कलवर्ट की गलत जगह मोड़ देने से जख्मी हुई सड़क की जनता चिंतित है। नाली का पानी अब सड़क को भर रहा है और लोगों को बेहद खतरे में डाल रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों ने बावड़ी के पानी को एक समझौते के बिना सड़क की तरफ मोड़ दिया, जो कि बाढ़ की जनता के लिए नुकसानकारी साबित हुआ है। इस तरह की लापरवाही से लोगों को घरों को छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों में भटकना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग को इसमें जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए और जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करना चाहिए। महिला मंडल खोपड़ी के सदस्य ने भी विभाग की कड़ी निंदा की और सही ढंग से पानी को सतलुज नदी तक पहुंचाने की मांग की। लोगों के आशियानों को खोने के खतरे को देखते हुए इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान होना जरूरी है। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग को अपनी लापरवाही को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। आप बताइए आप कहाँ से रहने वाले हैं? मकरोली से। तो आप काम क्या करते हैं? आप खुद पीडब्ल्यूडी विभाग से? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और सर ये बताए आप ये रोड कब से बने? 4-5 साल होगी इसको बनते बनते। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी तो यहाँ पर है नाले से। नाले से आ रहा है? तो पहले इस पानी को कहाँ कन्वर्ट किया गया था? तो आप हमें ये बताइए कि ये जो अभी पानी यहाँ से बंद किया गया और खोपड़ी के ऊपर जो नीचे घर है मकान है, हजारों की संख्या में मकान है वहाँ पे, तो ये कब किया गया पानी ये? अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? अभी आया नहीं यहाँ से। आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं नीचे गांव में? वार्ड नंबर 5 सबसे बड़ी बात यह है, रिहायशी लोगों के रिहायशी जो है विभाग के जो है रामपुर के सबसे बड़ा रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, कैफे और बुशहर एजेंसी। हम तो गए ऊपर वाले तो जितने गए, और विभाग को इतना सोचना चाहिए, पूरी लाइन निकाल के इन्होंने हमारे ऊपर कैसे डाली, पूरा ढाक लीकेज कर रहा है। और विभाग आज तक सोया कहाँ था? जब ये उसके बाद फ्लड भी आया, नीचे आया, उसके बाद इन्होंने बदल किया। जब इनको पता कि खोपड़ी के हर आदमी यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद विभाग ने या लोकल आदमी ने यह ड्रेनेज बंद की और अभी रोड में डाली है। हम विभाग से एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक्स हिसाब से, एस सी हिसाब से और पीडब्ल्यूडी विभाग से, कृपा करके रामपुर बुशहर के जो हमारे अच्छे नीचे रहने के लिए जो भी जगह है उनको खत्म मत किया करें। और इसमें पूरे ढांकों में दरार आ गई है, बड़े बड़े पत्थर आएंगे तो हम एक भी नहीं बचेंगे। तो आप प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन को ये कहेंगे इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और जिसने ये गलत काम किया उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जिस बंदे ने ये ड्रेनेज जो है हमारे 1-5 नंबर वार्ड को डाला है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। रोड में पानी की ड्रेनेज बनती है, नाड़ा पहले कहाँ से था, इन्होंने पूरे रोड का ड्रेनेज हमारे बना के और सीधे हमारे नीचे हमारे को डैमेज करने के लिए भेजा। अभी हम आपसे वार्ड नंबर 5 के महिला मंडल के प्रधान जी से बात करने जा रहे हैं, तो ये आपको खुद बताएंगे अपने वार्ड की स्थिति कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि इस चीज सबकी मेन जड़ क्या है, वो मेन जड़ है ये पानी जो वेस्ट पानी जो है इधर को किया गया। और क्योंकि पीडब्ल्यूडी को चाहिए था
कि ये पानी जो है कि ऐसे नाले की तरफ को डाल दिया जाए ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, वो सीधा नाले में जाए और सीधा के सतलुज में मिले। लेकिन ऐसा पीडब्ल्यू डी आगे नहीं किया और आज लेटेस्ट जो है इसको जो है यहाँ से नाले को बंद कर दिया गया, क्योंकि हो सकता है उनको कुछ गुफ्तगू मिल गई होगी कि यहाँ पे आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं वार्ड नंबर 5 के। तो आइए हम उनके प्रधान जी से बात करते हैं, नरेंद्र मंडल के प्रधान जी। आपका नाम? मेरा नाम स्मिता खनिका, मैं वार्ड नंबर 5 खोपड़ी से हूँ। तो मेरा कहना ये है कि सब मत करो ऐसा, इन लोगों को प्रशासन को इन लोगों पे कड़ी नज़र रख के इनको बताए, यहाँ पे आए, इसकी कार्रवाई करे। ये तो खोपड़ी वार्ड नंबर 5 के लिए बहुत खतरा है। पीडब्ल्यू डी बहुत देखो, ये तो शर्मनाक की बात है। अभी हमारे ही रामपुर से पीडब्ल्यूडी मंत्री है, तो ये तो हमारे लिए बहुत खतरा बन चुका है। ये तो गिर गया है, ये तो शुक्र है, शुक्र करो कि हमारे को पता चला। ये पता कैसे चला? जब मोटर मारे थी लोगों के ऊपर, जब बारिश हुई तो हमारे जो है 2-3 लड़के देखने आ गए कि हमारे को खतरा है, हम देख के आए, कोई ऊपर से चटाने तो नहीं है गिरने वाली। तो लड़के देखने आए, फिर बोले जागो, हमारे ऊपर तो डांका आने वाला है, पूरा ऊपर से पानी छोड़ रखा है। तो जब हमारे को पता चला, हम यहाँ पे मौके पे आए तो देखा तो यहाँ तो बंद दरारी पड़ी है और पानी है। जब हम आए यहाँ ताजा बंद किया, बाकी तो पानी नीचे चला है, तो हमारे लिए तो मौत का ही खतरा है। प्रशासन को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे इसकी जल्द से जल्द? और सर ये देखिए आप, अभी जब हम आए तो ये पानी जहाँ से ये पानी प्रशासन से ये है कि जल्द इसकी कार्रवाई किया जाए। जहाँ ये पानी पहले था, जहाँ से निकासी हो, इस पानी को वहाँ डाले, क्योंकि ये हमारे को तो नहीं लग रहा बारिश का, ये तो परमानेंट पानी लग रहा है, क्योंकि अभी तक भी इतना चला है। सोचो जिस दिन परसों बारिश थी तो उस दिन कितना होगा, इसमें कितनी चटानी होगी, नीचे जा नहीं सकते डांके। जब आएगा तो पूरी खोपड़ी वार्ड नंबर 5 खत्म है। जी थैंक यू। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हाल ही में कुछ दिन पहले जो बारिशें हुई थी, तो वार्ड नंबर 5 में कई घरों में दरारें आई, कईयों के घर के अंदर डंगे गिरे, वो सीधे दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश हो चुके हैं। तो इसलिए वो कारण क्या है, वो कारण रहा इसी चीज का। ठीक है, थोड़ी बारिश हुई है लेकिन इतना नुकसान नहीं होता था। ये तो और ये आज कम से कम 50-60 सालों में जो है वो पहली बार देखने को ऐसा मिला है कि वार्ड नंबर 5 में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान होना ही था, क्योंकि यहाँ पे ये ड्रेन निकाली गई है, पानी की जबरदस्ती ड्रेन निकाली गई है, क्योंकि ये कोई मान्यता ड्रेन नहीं है, ये ऑलरेडी मतलब लेटेस्ट निकाली गई है ये। और देखिए नीचे जो ढांक है, इसके नीचे सभी घर हैं, कम से कम हजारों की तादाद में घर हैं। और वार्ड नंबर 5 और प्लस लस्से को तो खैर रेड जोन घोषित कर ही गया है, वो क्यों किया है, वो कारण यही रहा, क्योंकि उसके तरफ से नीचे से पानी का रिसाव हो रहा है और नीचे जाके बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरी अभी भी एक अपील है कि पीडब्ल्यू डी को चाहिए कि तुरंत इस पानी को कोई ना कोई अच्छा सा साधन देख कर इसको एक साइड में कन्वर्ट किया जाए। अभी हम बने रहिए हमारे साथ, अभी हम नेक्स्ट टाइम पे जा रहे हैं जहाँ पे मेन पॉइंट है ये। जी मैम, ये बेवड़ी है, जैसे चलो पानी है ये तो हम मानते हैं, ये सारा सर दिख रहा है कि पीडब्ल्यू जो डिपार्टमेंट है, तो ये तो दिख रहा है उनकी भी गलती है। ड्रेनें बढ़ाई है, रोड में ड्रेन जो बढ़ाई है, पानी जो है वार्ड नंबर 5 में छोड़ रखा है, जो बेवड़ी का पानी है ये भी दिख रहा है। इन लोगों ने क्या कर रखा है, ये देखो पानी को जाने के लिए जगह थी, साफ दिख रहा है यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से जो है नाला है, यहाँ पानी ये कन्वर्ट कर सकते थे, जा सकता था। इन लोगों ने ये नहीं किया कि इसमें डाले, इन लोगों ने पता क्या किया है, वार्ड नंबर 5 के लिए सारा पानी कन्वर्ट करके डाल दिया है। ये लोग कर सकते थे, नाले में जाने दो, पानी आ रहा है, इसका कोई तो करो ना प्रबंध। ये साफ दिख रहा है, ये पानी जो है ऊपर से इधर से आ रहा है, इन लोगों ने देखो यहाँ सामने देखो यहाँ से बंद कर रखा है, क्योंकि जबकि इसकी जगह साफ दिख रही है, इसकी जगह यहाँ से है। ये लोगों ने इन लोगों ने क्या किया, इसको इधर से डाला और यहाँ से एक मिनट मेरे साथ यहाँ से रोड जो है ड्रेन बना के खोपड़ी ये जगह है पानी की, जब इधर को देखो इधर इस पानी की हाँ, इन लोगों ने अपने खेत बचा के ये अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि जो सही मायने में पहले पानी जाता था वो यहाँ से नाला है, ये नाला बना हुआ था, लेकिन यहाँ से खेत बनाकर जो है इस नाले को बंद कर दिया गया है।
अपनी सहूलत के लिए कुछ सरकार के नुमाइंदों ने जो है उनको छाया दे रखी है, और जिस वजह से जो है वो ये ऐसा गलत कार्य हो रहा है और हुआ है। और ये आप देख सकते हैं आगे भी ये कलबटा भी ड्रेनेज अभी जो हमारे को बिन जा रहा है, ये अभी जस्ट हमारे सामने इन्होंने बन किया, हमारे सामने देखो परेशान अभी इनके जिन्होंने इसमें एक चीज ये जो पानी आगे जा रहा था अभी ये देखिए, जैसे ही हम पहुंचे यहाँ पे तो लोग थोड़ा अलर्ट होकर उन्होंने जो पुराना जो बना हुआ तो नीचे को खोल दिया खेत की तरफ को, अभी जहाँ पहले नाला होता था वहाँ पे अभी इन्होंने खेत बना रखे हैं। तो ये वाला देख सकते हैं आप, ये अभी 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 कई रुकावट की गई है पानी को रोकने की और इस साइड से इस नाले में देने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं और देखने की बात ये है कि ये पानी जो है अभी चलाया गया अभी 2 मिनट अभी ये फ्लो पानी कितना हमारे जो 5 नंबर वार्ड पे कितना फ्लो जाता है, ये जो पानी है कितना फ्लो जा रहा है अभी 2 मिनट है हमारे सामने। ये है जबकि लोगों का कहना है कि ये निकासी यही है इस पानी की, जबकि ऊपर से पानी घुमाकर खोपड़ी और लस्सा की तरफ को घुमा दिया गया पानी ये। अब अभी क्यों इन्होंने खोला, क्या कारण रहा होगा ये तो अब वहीं के लोग बता सकते हैं, लेकिन अगर यही पानी ऐसे ही जाए तो शायद वहाँ पे जो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है वो बच जाए। ये भी आता पानी। ये देख सकते हैं नीचे बगीचे बना दिए गए हैं जहाँ कलवट था पानी को, यहाँ पे नाला होता था पहले, यहाँ बगीचा बना दिया। ये जो बॉडी बनाई गई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इस पानी को कैसे डाला जाए? इस पानी को जो ये कल ऊपर से रोड ऊपर लाल से ढंग से जा रहा है सारा ड्रेनेज नीचे का आप देख लो, ड्रेनेज को दी है लासा और खोपड़ी के लिए जी। इसको 2 भागों को कन्वर्ट किया, एक टाँक में एक पाइप डाला है, दूसरे सेकंड टाँक में दूसरा पाइप डाला है जी। जो कि टोटली दरारें पड़ गई है, जिसमें कि रेस्ट हाउस सर्किट हाउस कैफे मुशहर रेजेंसी प्लस यहाँ की जो जितनी भी पब्लिक वार्ड की है सारे के सारा खत्म हो जाएंगे। और कितने घरों को नुकसान पहुँचेगा ये तो टोटली एरिया को, कोई घरों को क्या जो कम से कम यहाँ 500-700-800 घर है टोटली नीचे तक जो 1000 घर होंगे सबके सब डैमेज हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा जी। तो ये आप ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे इनको एक ड्रेनेज निकालनी चाहिए, जो ये पानी पहले जो आज से पहले भी जाता था जिस जगह से जाता था उसी सोर्स में डालते, ना कि लसा और खोपड़ी वार्ड नंबर 5 के लिए ही डालना था। और ये तो विभाग ने शरेआमी मेटले पका टाई वो डाल के गन्नाड़ या पक्की बना के और ढाक में पानी डाल दिया। लाइव तस्वीर है यहाँ से, देखिए ये कितना पानी ऊपर से आ रहा है और बगीचे के बीच में होता हुआ आ रहा है, ये अपनी खुद का अपना भाव हमें दिखा रहा है कि मैं कितनी शक्ति से कितनी पावर के साथ जो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और आगे देख सकते हैं कि ये जो विभाग द्वारा नाली बनाई गई है वो भी बंद पड़ी है, और यही पानी जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि इसने हो सकता है कि कभी ये हमें भी अपना ग्रास बना ले और बनी ही जाएंगे अगर यही हाल रहेगा, क्योंकि ये सभी विभाग की गलती है। ये PWD विभाग रामपुर की सबसे बड़ी देन है हमारे लिए कि इतना बहुत बड़ा कीमती तोहफा जो उन्होंने हमें दे रखा है, तो प्लीज़ इस तोहफे को अपने वापस ले लें। तो आइए अभी हम बात करवाते हैं हमारी इंडिया की माने जाने माने इंजीनियर, तो देखिए आप सुने इनकी गाथा, इनके बारे में ये स्पष्ट बताएंगे कि इस बात से क्या होगा और क्या नहीं हो सकता है।